गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 भाग चूहे भाग कहानी का दूसरा अंश पढ़ेंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि इस कहानी में दो बच्चे हैं, एक है बड़ा बच्चा और दूसरा है छोटा बच्चा। बड़े बच्चा क्या करता है, बड़ा चूहा का एक मुखौटा पहने रहता है और छोटा बच्चा छोटे चूहे का मुखौटा पहने रहता है। छोटा चूहा को यह इच्छा होती है कि वह इस कार्डबोर्ड में कुछ चित्र बनाए, लेकिन बड़ा चूहा बोलता है कि तुम क्या इसमें चित्र बनाओगे, तुम क्या कोई कलाकार हो। तो छोटा चूहा बोलता है कि हाँ भैया रुकिए, मुझे चित्र तो बना लेने दीजिए, मैं कोशिश अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश करने से। तब बड़ा चूहा बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही, कोशिश करते रहने से सब कुछ आ जाता है। नन्हा चूहा फिर क्या करता है, ड्राइंग बोर्ड की ओर मुड़ते हुए, बड़े भैया चित्र बन जाने के बाद यह जरूर बताना कि आपको मेरे द्वारा बनाया चित्र कैसा लगा। बड़ा चूहा, ठीक है अब बना भी तो सही। नन्हा चूहा चार्ट पेपर पर पेंसिल फेरते हुए, बड़े भैया यदि मैं यह पेंसिल आपको दे देता तो आप इसका क्या करते। बड़ा चूहा, क्या करता तुम नहीं जानते। नन्हा चूहा बड़े चूहे की ओर देखते हुए, नहीं यह तो खाने के काम भी नहीं आ सकती, इसमें है ही क्या, लकड़ी और बीच में कुछ काला काला, इनमें से किसी को भी खाया नहीं जा सकता। बड़ा चूहा, हाँ तुमने ठीक कहा, इसे खा तो नहीं सकते पर उतर तो सकते हैं, मैं इसे कुतरूंगा। तुझे पता नहीं क्या, अपने दांत पहने और छोटे रखने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ कुतरना रहता है। तो पहने मतलब क्या हुआ, पहने मतलब होता है तेज या नुकीला बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कुतरते रहना पड़ता है। नन्ना चूहा, मैं आपकी जरूरत को समझ सकता हूँ, हाँ बस पहले मैं चित्र बना लूँ। बड़ा चूहा, ठीक है तुम चित्र बना लो, इसके बाद मैं तुम्हारी पेंसिल को कुतर कुतर कर क्या कर दूंगा, चूरा चूरा कर दूंगा, मतलब पूरा ही तोड़ दूंगा, खंड खंड करके बिखेर दूंगा। नन्हा चूहा लंबी सांस लेते हुए, बड़े भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों कि आप मुझे चित्र बनाने का मौका दिए। उसने चार्ट पेपर पर एक बड़ा गोला और उसके अंदर तीन छोटे छोटे गोले बना दिए। बड़ा चूहा, या तो तुमने एक थाली में तीन लड्डू बना दिए हैं। नन्हा चूहा, आप कहते हैं तो इन्हें लड्डू नाम दे देते हैं, मतलब एक बड़ा सा थाली लिया, थाली की जैसी आकृति बनाया, मतलब गोल किया, लेकिन बड़ा चूहा बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि तुम एक थाली लिए हो और तीन जो गोला बनाए हो उसमें लग रहा है कि उस थाली में तुमने तीन लड्डू रख दिए हो। नन्हे चूहे ने, नन्ना चूहा आप कहते हैं तो इन्हें लड्डू नाम दे देते हैं। नन्हे चूहे ने बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया। बड़ा चूहा, अरे या तो सेब है। नन्हा चूहा, ठीक है इसे हम लोग सेब नाम देते हैं। बड़े चूहे ने नीचे वाले गोले में टेढ़े मेढ़े से तीन आकार बनाए। बड़ा चूहा, अरे वाह ये तो ककड़ियां हैं। ककड़ियां कैसा होता है बच्चों, ककड़ी होता है खीरा के जैसा, खीरा छोटा छोटा मोटा मोटा होता है, लेकिन ककड़ी लंबा लंबा पतला पतला होता है और ये गर्मी के दिनों में ही पाया जाता है। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नन्हा चूहा, बड़े भैया क्या ये असली जैसी लग रही है। बड़ा चूहा, हाँ भाई तुम जल्दी इस चित्र को पूरा करो, हाँ ये लग रहा है कि असली ककड़ी है, लेकिन तुम एक काम करो इस चित्र को जल्दी से तो पूरा करो। नन्हा चूहा, सब्र कीजिए बड़े भैया, सब्र मतलब इंतजार कीजिए बड़े भैया, सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। नन्हे चूहा,
बूढ़े ने ऊपर वाले गोले के आकार दो छोटे छोटे तिकोने बना दिए। बड़ा चूहा चीखते हुए, अरे अरे अब तो तुम इसे बिल्ली की तरह बनाने लगे, खबरदार इस चित्र को पूरा किया तो, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि तुम इस चित्र को बिल्ली के जैसा बना रहे हो, इसलिए रुक जाओ, खबरदार इस चित्र को पूरा मत करो। नन्हा चूहा, बड़े भैया आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यह तो एक चित्र है, मतलब आप चिंता मत करिए, ये तो एक चित्र है, ये बिल्ली थोड़ी ओरिजिनल में जो हम लोगों को खा जाएगी, ये तो बस एक मामूली सी पिक्चर है, एक चित्र है। नन्हा चूहा चित्र को पूरा करता गया, उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बना दिया। बड़ा चूहा डर कर जोर से, अरे बाप रे यह तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है, मुझे इससे कौन बचाएगा, ऐसा लग रहा है कि सचमुच की यह बिल्ली है और मुझे इसे जल्दी से बचाओ। डर के मारे बड़ा चूहा अपने बिल में छिपने के लिए क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। समझ में आई पूरी कहानी? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, मतलब कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। मुखौटा रूप बनाने के लिए मुंह पर लगाया जाने वाला नकली चेहरा। आकृति मतलब होता है चेहरा, रूप या आकार। कुतरना मतलब दांतों से काटना। फिक्र मतलब चिंता। मुद्रा मुख के विशेष भाव वाली स्थिति है ना, चूहा इसे सोचने की मुद्रा में था ना कि क्या बनाए, तो वो होता है कोई विशेष भाव लाना अंदर। प्रवेश मतलब अंदर आना। सब्र मतलब धीरज या फिर इंतजार। ठीक है, आप लोगों को इन कठिन शब्दों को अच्छे तरीके से याद भी करना है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।